हेलो दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं व्लॉगर वीडियो। आज खड़े हैं हम भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणकालीन आवासीय पूरा स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों का मतलब है इसके अंदर जो गुफाएँ हैं उसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं और इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य का माना जाता है। ये चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चित्र है। माना जाता है कि ये जो चित्र है वो विश्व के ही प्राचीनतम चित्र है। सामने आपको यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो चट्टान है, इस चट्टान पर ये सामने चित्र बने हुए हैं और ये चित्र एक हाथी का लग रहा है और दूसरा भी शायद हाथी का ही है जिस पे कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ है। तो माना जाता है कि करीब ये 60,000 वर्ष पुराने शैल चित्र हैं। ये जो छोटे छोटे चट्टानें हैं, इन चट्टानों पर बहुत सुंदर रंगों से इन चित्रों को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। इतने लंबे समय बाद भी ये जैसे कि तैसे सुरक्षित है, ये बड़ी बात है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम भीमबेटका यानी भीम की बैठक या बैठने की जगह, जो कालांतर में इसका नाम बदलकर इस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया। यहाँ जितने भी शैल चित्र बने हुए हैं उन सब के बारे में ऐसे शिलांकित किया हुआ है कि कौन सा चित्र कब ढूंढा गया, किसने इसको ढूंढा और क्या क्या चित्र हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। माना जा रहा है कि करीब 30,000 साल पहले हमारे पूर्वज इन गुफाओं में रहते थे और पत्थरों चट्टानों पे ये चित्रकारी किया करते थे। इन अनुभवों को देखने का ये बहुत ही शानदार तरीका है इन गुफाओं को देखना और अपने पूर्वजों के प्रमाण को इस तरह से जानना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। यहाँ गुफाओं में बनाए गए चित्र हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा शहद जमा करने के बारे में है। इसके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों, घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई है जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास का कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समानांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार से यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जाता है। भीमबेटका में हाथी आदि मानव के हाथों के शिला चित्र सबसे पहले मिले। भीमबेटका में यूं तो करीब 750 रॉक पेंटिंग है, लेकिन महज 15 पेंटिंग को चिन्हित किया गया है जहां शोधकर्ता एवं पर्यटक आते हैं। भीमबेटका में सैकड़ों प्रजाति के पेड़ हैं। एक पत्थर और एक पेड़ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। पत्थरों की आकृति कछुए के समान, जहां एक कछुआ दूसरे कछुए पर बैठा हो ऐसा प्रतीत होता है। अनेकों जगह पर रॉक शेल्टर 25 से 40 मीटर की ऊंचाई पर है। भीमबेटका लाखों वर्षों पुरानी पुरापाषाण धरोहर है। जहां तक हवाई जहाज से पहुंचने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा भोपाल है, नज़दीकी रेलवे स्टेशन ओबेदुल्लागंज और भोपाल है। कुछ ही ट्रेन ओबेदुल्लागंज रुकती है। यहां तक जाने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। भोजन के लिए नज़दीक में निजी होटल एवं भोजनालय के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म का रेस्टोरेंट भी है। भीमबेटका की प्राचीन गुफाएँ इतिहास की गवाही देती है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। महाभारत के अनुसार भीम 5 पांडवों में द्वितीय थे। भीम के निवास स्थान के कारण ही इसका नाम भीमबेटका पड़ा। यहाँ करीब 600 गुफाएं हैं, कुछ कुछ लोग 750 भी कहते हैं। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसकी खोज कहते हैं 1985 में की गई थी और वो रेल से भोपाल जा रहे थे। उन्हें कुछ पहाड़ियों को इस रूप में देखा जैसा कि उन्होंने स्पेन और फ्रांस में देखा। भीमबेटका गुफाओं में बनी चित्रकारियां यहां रहने वाले पाषाणकालीन मनुष्य के जीवन को दर्शाती है। भीमबेटका गुफाओं में अधिकांश तस्वीरें लाल और सफ़ेद रंग के हैं, जिनमें दैनिक जीवन की घटनाओं से ली गई है। विषय वस्तुतः चित्रित है।
जो हजारों साल पहले का जीवन दर्शाती है। वास्तव में ये गुफा चित्र है यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के सवाना क्षेत्र और फ्रांस के आदिवासी सेल चित्रों से मिलते हैं जो कालीहारी मरुस्थल के बोनो द्वारा बनाए गए हैं। मेरा तो यूं ही अचानक से जाने का प्रोग्राम बन गया बच्चियों के साथ और हमने भोपाल देखा, तो भोपाल के साथ साथ इस भीमबेटका को भी देखा, इसकी चट्टानों को देखा, इसकी गुफाओं को देखा। ऐसे प्राकृतिक स्थलों को देखना बहुत ही शानदार लगता है, अपना अतीत याद आता है, अपने इतिहास में झांकना अपने आप में अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वज आदि मानव करीब 60-70 हज़ार साल पहले यहाँ रहा करते थे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था धीरे धीरे। तो अच्छा लगा, आपको भी यदि मौका मिले कहीं जाने का, इस तरह किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने का, पुरातात्विक स्थल को देखने का, तो ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें अपने ऐसी जो धरोहर है ऐतिहासिक, जो हमारी विरासत है, इनको देखना अपने आप में एक अच्छी बात है। तो इन चट्टानों को देखना, इन गुफाओं को देखना बहुत शानदार रहा। तो आशा करती हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।